नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 17 अगस्त। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान में मंगलवार को अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई। उसकी जान बच भी सकती थी अगर समय पर उसका इलाज शुरू हो जाता, पर एक्सीडेंट के बाद वह करीब 30 मिनट तक मौके पर तड़पता रहा, लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, पर किसी ने हेल्प नहीं की। ऊपर से तड़पते युवक का वीडियो बनाकर वायरल करने में बिजी रहे। हादसा सिवान छपरा मुख्य मार्ग NH 531 पर दरौंदा रेलवे ढाला के पास हुआ। युवक की पहचान रोहित कुमार के रूप में की गई है। दरौंदा थाना क्षेत्र निवासी रोहित वाहन को ट्रेन के चढ़ाने के बाद अपने घर महाराजगंज के लिए लौट रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक ने युवक को कुचल दिया। सड़क पर जो वो जख्मी हालत में तड़पता रहा, उसके शरीर से कई हिस्सों से खून बह रहा था। आसपास लोग भी जुट गए, पर किसी ने रोहित को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। रोहित लोगों से मदद के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने रुचि नहीं ली। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। अगली खबर, नीतीश कैबिनेट का आज गठन हो गया है। मंगलवार को कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण होने के कुछ देर बाद ही मंत्री के बीच विभागों का भी बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग समेत कुल 5 मंत्रालय है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य और पथ निर्माण समेत 4 मंत्रालय है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप भी मंत्री बने हैं और उन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिया गया है। मंत्रालय के बंटवारे को लेकर जब तेज प्रताप से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की तो वो बिना कुछ बोले ही निकल गए। उनके हाव भाव को देखकर लग रहा था कि जैसे वो खुश नहीं है। गौरतलब है कि महागठबंधन की पिछली सरकार में तेजस्वी यादव के पास पथ और भवन निर्माण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, जबकि तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य, लघु जल संसाधन और पर्यावरण एवं वन विभाग का मंत्री बनाया गया था। माना जा रहा है कि पिछली सरकार की तुलना में तेज प्रताप का कद घटा है। पिछली बार महागठबंधन सरकार में तेज प्रताप के पास स्वास्थ्य भाग था, जो कि अब खुद तेजस्वी के पास है। बता दें कि नई सरकार में RJD कोटे से सबसे अधिक 16 मंत्री बने हैं। इसके बाद भी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप विभाग में कटौती की गई। माना जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की मर्जी से ही RJD कोटे के मंत्रियों के बीच विभागों को बंटवारा हुआ है। मतलब तेज प्रताप को पर्यावरण मंत्रालय देने का फैसला RJD का क्या ही हो सकता है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अक्सर विवादों में रहते हैं, जिसकी वजह से पार्टी और परिवार की काफी फजीहत होती है। हो सकता है कि विवादों से बचने के लिए उन्हें बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी ना दी गई हो। अगली खबर, बिहार में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में जुटे या मध्य निषेध विभाग में सिपाही नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। बिहार केंद्रीय चयन परिषद द्वारा राज्य सरकार के मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मध्य निषेध सिपाही के पदों की घोषित रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। परिषद द्वारा 11 अगस्त 2022 को जारी विज्ञापन के अनुसार मध्य निषेध सिपाही के कुल 76 पदों पर भर्ती की जानी है। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधारित वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू हो जाएगी और उम्मीदवार को 13 सितंबर 2022 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना होगा। बिहार मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मध्य निषेध सिपाही के पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्षीय से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष, OBC महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 28 वर्ष, वहीं SC/ST थर्ड जेंडर महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मापदंडों को भी पूरा करना होगा, जो कि ऊंचाई के मामले में निम्नलिखित है।